गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड जो आपका GSEB बोर्ड है उसमें आज हम 7th नंबर का पोयम पढ़ने वाले हैं, सूरदास के पद। आप तुलसीदास जी के पद भी पढ़े होंगे और मीराबाई के पद भी पढ़े होंगे। वैसे ही हमारे जो है वो सूरदास जी, उन्होंने भी श्री कृष्ण के लिए लिखा है। उन्होंने भी अपनी भक्ति जो है वो श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पर हमारे लेसन में दिया गया है कि उनकी सूरदास की श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति थी उनसे हमें अवगत करवाया है। देखते हैं आज हम पहले श्री कृष्ण सूरदास जी जो थे वो दिल्ली शहर में एक सिंही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका मथुरा में जन्म हुआ था, कुछ लोग मानते हैं कि रेणुका में हुआ था, कुछ लोग ऐसा भी मानते। ऐसी किंवदंति है कि वो सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस बात की हमें कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ऐसा भी कहा जा रहा था कि सूरदास जी जो थे वो बोलते थे और उनके शिष्य लिखते थे, लेकिन ये जो अंधे जो थे वो जन्म से उसके बारे में हमें कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। उनके गुरुजी का नाम था वल्लभाचार्य जी और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण के लीलाओं से संबंधित पद लिखे हैं और कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे। वात्सल्य और श्रृंगार रस में उन्होंने जो वर्णन किया है वैसा कोई भी कवि ने या तो कोई भी हिंदी साहित्य में लेखक या कवि ने नहीं किया, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। पहला पद में हमें उनकी जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है उस भक्ति भावना का हमें दर्शन मिलते हैं, उनकी भक्ति भावना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और दूसरे पद में हमें ये जानने को मिलता है कि उन्होंने श्री कृष्ण ने जो बचपन में बाल लीलाएं की थी वो बाल लीलाओं का वर्णन हमें मिलता है। आप सभी जानते होंगे बहुत सारी सीरियल जो श्री कृष्ण के ऊपर बनाई थी उसमें भी उनकी बाल लीलाओं पर ज्यादा फोकस भी किया गया है और आपने देखा भी होगा श्री कृष्ण के सीरियल में उन्होंने बहुत सी बाल लीलाएं की है, गोपियों को भी परेशान किया है और सबकी मदद भी की है। तो आज हम वही देखते हैं दो पदों में। उसके पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत से वर्ड मीनिंग बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत से शब्द हैं जो हमारे समझ के बाहर है क्योंकि उन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है तो हमें जल्दी समझ में नहीं आएगा। उसमें से जो बहुत से हार्ड वर्ड मीनिंग है वो मैंने लिखे है बोर्ड पर, बाकी जो है वो आप एक बार डाइजेस्ट या बुक में देख लेना। पहला वर्ड है महातम यानी महिमा, उनकी महिमा गाना। दुर्मति यानी मूर्ख, कुप यानी कुआं, अंबुज यानी कमल, मधुकर यानी भोरा भी कहते हैं और मधु भी कहते हैं, छेरी यानी बकरी, नवनी यानी मक्खन, रेणु यानी धूल, कपोल यानी गाल, कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष की अवधि एक टाइम लिमिट, लोल यानी चंचल यानी स्थिर नहीं रहने वाला वो। आइए हम देखते हैं उनके पहला पद। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे, जी ही मधुकर अंबुज रस चाखियो क्यों करी फल भावे, सूरदास प्रभु काम धीरु तजी छेरी कौन दुहावे। देखो पहले जो पद में है उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण के अलावा मेरे मन को शांति मेरे मन को सुख कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जैसे कोई जहाज होता है उस पर जो पंछी बैठा होता है वो कहीं पे भी घूमने के लिए जाए या तो खुराक के स्रोत में जाए लेकिन वो वापस वही जहाज पर आकर बैठ जाता है। वैसे ही प्रभु मैं कहीं पे भी जाऊँ किसी के पास भी जाऊँ लेकिन अंत में तो मैं आपके पास ही आने वाला हूँ क्योंकि आप ही मेरे उद्धार करोगे और आपसे ही मेरा उद्धार होगा और आपसे ही मेरी जीवन नया पार होगी और इस जीवन में आने वाली सारी मुश्किलों से आप मुझे बाहर निकालोगे।
कमल नयन को छाड़ी महातम, यानी कि उनके जो कमल नयन, कमल जैसे नयनों, यानी कि कमल जैसे नयनों का महात्मा ही गाते हैं, एक उनका प्रशंसा करते हैं कि आपके कमल जैसे नयनों को देखकर मेरे मन को जो सुख मिलता है, मेरे मन को जो शांति मिलती है, वही सुख मुझे और देव का ध्यान करने से नहीं मिलती। तो मैं क्यों और देव का ध्यान करूं, मैं सिर्फ आपका ध्यान करूंगा और आपकी ही सेवा करूंगा और आपको ही आपकी ही भक्ति करूंगा। परम गंगा को छाड़ी पियासो, वो लाइन में श्री कृष्ण सूरदास जी कहते हैं कि जो लोग पवित्र गंगा अपनी प्यास बुझाने के लिए, पवित्र जो गंगा नदी है उसको छोड़कर और कुआं खोदते हैं या तो कुआं खुदवाते हैं, तो उस वो मनुष्य को वो मूर्ख मानते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि गंगा में हम अगर नहाते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही कहते हैं कि जहाँ पे इतना हमें फायदा हो रहा है, हमारे पाप धुल जाते हैं और हमें सुख, इन सारे जो हमने जो पाप किए हैं उससे हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है, तो वहां से हम उठकर कुआं क्यों खोदे, राइट? तो जो मनुष्य कुआं खोदते हैं उसको वो मूर्ख मानते हैं कि इतना पवित्र गंगा जल को छोड़कर हम किसी और के पास, ऐसी तुच्छ वस्तुओं के पास क्यों जाएंगे। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, उसी लाइन में कहना चाहते हैं कि जो भौरे ने कमल का रस चखा होता है वो कंटीली झाड़ियों के पास नहीं जाता और वो कंटीला जो पौधा होता है उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि कमल के रस, कमल का जो रस है उसमें ही सारा हमारा सुख है, उससे ही हमारी प्यास बुझेगी। तो कहते हैं कि जिसने कमल का रस चखा, यानी कि जिसने आपकी भक्ति की हो और आपको ही आराध्य देव माना हो, वो किसी और के पास क्यों जाएगा। ओके, लास्ट लाइन में सूरदास प्रभु कामधेनु तजी चेरी कौन दुहावे, चेरी यानी बकरी, कहते हैं कि कामधेनु यानी ऐसा कहा जाता है कि उसके पास हम जो भी मांगेंगे, जो भी इच्छा करेंगे वो हमें मिल जाएगा। कहते हैं कि श्री कृष्ण को कामधेनु मानते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं वही पूरी करेगा और हमें इस भव सागर से, इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से भी वही छुड़ाएंगे। तो ऐसी कामधेनु को छोड़कर जो मुझे संसारिक जो बंधन होते हैं उसे मुक्त कराएंगे, ऐसी कामधेनु को छोड़कर मैं बकरी के पास क्यों जाऊंगा, यानी कि कामधेनु को छोड़कर मैं बकरी, कौन ऐसा होगा जो बकरी को दोहेगा, मैं तो नहीं जाने वाला, मैं तो प्रभु आपके पास ही रहने वाला हूँ। यानी कि ये सारी लाइन में सूरदास जी जो है उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो वफादारी है, जो उनकी भक्ति भावना है, उनकी जो अनन्य भक्ति भावना है, उनकी निष्ठा है वो आराध्य देव के प्रति, वो हमें बताया गया है कि श्री कृष्ण और उनका जो है वो यही है कि मैं प्रभु आपको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपका ही ध्यान धरूंगा, मैं किसी और देव के पास नहीं जाऊंगा, जो सुख जो शांति मुझे आपके पास मिल रही है वो किसी और के पास नहीं है, तो मैं आपके पास ही रहूंगा। दूसरा जो उनका पद है उसमें श्री कृष्ण ने वात्सल्य रस का वर्णन किया है, यानी कि श्री कृष्ण ने अपना जो श्री कृष्ण जब छोटे थे तब उन्होंने जो बाल लीलाएं की थी वो सारी यहाँ पर वर्णन किए, इस तरीके से वर्णन किया है कि हमें ऐसा लगेगा कि हमारे सामने ही वो सारा दृश्य अभी चल रहा है, इस तरीके से वर्णन किया है। इसीलिए कहा गया है कि हिंदी साहित्य में सूरदास जी ने जो श्री कृष्ण का वर्णन किया है, श्रृंगार का और उनकी बाल लीलाओं का, वो वर्णन उसने, उन्होंने जैसा वर्णन किया वैसा वर्णन किसी और ने नहीं किया है। आइए देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडी, मुख दधी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुगन माधव मधुही पिए, कटुला कंठ ब्रज के हरिनक राजत रुचे किए,
धन्यसुर एको पंथ ही सुख का सब कल्प जिए। कहते हैं कि उनके हाथ में मक्खन है और इनके हाथ जो है मक्खन से सुशोभित है, वो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। और गुटुरुनी चलन यानी कि वो लाइन में कहना चाहते हैं कि वो घुटनों के बल चलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो होता है वो पहले घुटनों के बल चलता है और उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है। वैसे ही कहते हैं कि श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हैं और उनका जो अंग अंग है वो धूल से उनके अंग अंग में धूल है क्योंकि वो धूल में खेल रहे हैं। उसमें भी वो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और मुख में दधी है यानी कि उनके मुंह में वो दही खा रहे हैं। चारु कपुल यानी कि सुंदर गाल है उनके और लोचन यानी कि उनकी आंखें जो है वो चंचल है और गोरोचन तिलक भी यानी कि उनके कपाल में एक गोरोचन यानी कि तिलक करने के लिए एक पीला द्रव्य होता है, हम चंदन का भी कर सकते हैं, चंदन भी मान सकते हैं। उससे उनके कपाल में जो तिलक किया है और उनके गाल सुंदर दिख रहे हैं, उनके कपाल में जो तिलक किया है वो सुंदर दिख रहा है यानी कि श्री कृष्ण का मनमोहक रूप, मनमोहक जो सुंदर रूप है वो हमारे सामने वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी इतने सुंदर दिख रहे हैं कि मेरा मन उनको छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता, उनके उनके पास ही रहने के लिए मेरा मन तत्पर है। लट लटकनी मनोमत मधुवगन मादक मधु ही पीए, उस लाइन में कहना चाहते हैं कि जैसे भौरा जो होता है वो फूलों का रस सकता है, तो फूलों का रस सकने के बाद वो एकदम अपनी मस्त अपनी मस्ती में रहता है, अपनी धुन में मस्त रहता है। वैसे ही यहाँ पर जो श्री कृष्ण की चाल है और श्री कृष्ण जो है वो अपनी धुन में ही मस्त है और उनके सिर पर जो जो लटे होती है वो ऐसे ही लटे है यानी कि जो बालों का गुच्छा यहाँ पे आगे होता है वैसे ही। और आपने श्री कृष्ण सीरियलों में भी देखा होगा, श्री कृष्ण का वर्ण श्री कृष्ण का रूप आपने देखा होगा जो सीरियल में है, वैसे ही कहना चाहते हैं कि जैसे भौरा जो होता है कमल का रस सकर जैसे मस्त रहता है, वैसे ही उनके जो सिर पर दोनों साइड जो लटे है बालों का गुच्छा वो ऐसे मस्त हवाओं में लहराता है और अपनी मस्ती में जो लटे झूम रही है उसको वो वर्णन बहुत ही सुंदर है और इतना आकर्षक वर्णन है, आकर्षक रूप है उनका कि मुझे उनको छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं होता। कठुला कंठ ब्रज गहरी नख राजत रुचि दिए, राजत यानी कि सुशोभित और रुचि यानी कि सुंदर। कठुला कंठ यानी कि चांदी की चौकियों या तो ऐसी कुछ माला आती है बजरगट्टू या तो ऐसे कुछ मोतियों की माला आती है वो उनके कंठ में सुशोभित हो रही है और सींग जैसे नाखून उनके लग रहे हैं और सुशोभित लग रहे हैं, वो सुंदर दिख रहे हैं। उनकी कंठ में जो मालाएं हैं वो सुंदर दिख रही हैं और लास्ट में कहना चाहते हैं धन्य सुर एको पल इन्हीं सुख का संकल्प जिए। कहते हैं सूरदास जी कि अगर मुझे एक पल के लिए भी आपके दर्शन हो जाए तो मुझे आगे जीने की इच्छा नहीं है यानी कि कल यानी कि 4,32,00,000 वर्ष की अवधि यानी बहुत से साल मुझे जीने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपके एक पल के दर्शन का सुख मुझे मिल जाए, उसके बाद मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मुझे कोई जरूरत नहीं है ये जिंदगी, बस वो इतना सुख चाहते हैं कि एक बार मेरे श्री कृष्ण के मुझे श्री कृष्ण की छवि के दर्शन श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए और वही सुख मेरे लिए अनंत है। और यही कहना चाहते हैं कि अगर एक बार दर्शन हो जाए तो उसके बाद मुझे जीने की जरूरत नहीं है, उसके बाद उसके प्राण भी चले जाए तो भी उनको कोई चिंता नहीं है, बस वो एक पल के लिए श्री कृष्ण के दर्शन चाहते हैं यानी कि ऐसे उनकी भक्ति भावना है कि वो श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और देव को आराधना नहीं करना चाहते, भक्ति करना नहीं चाहते, वो श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते जब तक जिंदा है तब तक और वो श्री कृष्ण के अलावा किसी और के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको पता है कि अगर हम छोटी छोटी चीजों में अपना सुख ढूंढेंगे तो वो हमारी मूर्खता होगी,
जबकि हमारे पास इतने बड़े देवता है जो सृष्टि के कर्ता करता है, तो हम उसकी ही आराधना करें, हम क्यों छोटे छोटे लोगों के पास जाए, राइट। सुदास जी को पता था कि जो सृष्टि के कर्ता करता है, जो सृष्टि का सर्जनहारा है, उसी के पास हमें सब कुछ मिलेगा, तो फिर बाकी देवों के पास हम क्यों जाए, राइट। श्री कृष्ण के पास हम हमारी जो भी इच्छाएं होगी वो श्री कृष्ण पूरी करेगा। श्री कृष्ण के पास हम जो भी मांगेंगे वो श्री कृष्ण हमें देंगे, यानी कि मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी के पास नहीं जाना चाहता, और श्री कृष्ण ही मेरा जीवन, श्री कृष्ण ही मेरे जीवन का उद्धार करेंगे। तो सुदास जी ने जो वर्णन किया है, वो जो भी दो पदों में वर्णन किया है, उस दो पदों में हमें श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्य भावना थी, जो भक्ति थी, वही हमें दिखाई देती है। और उन्होंने जो वर्णन किया है वो हिंदी साहित्य में कोई भी कवि या लेखक ने नहीं किया होगा, उन्होंने जिस प्रकार वर्णन किया है। तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। एक बार आप लेसन रीड कर दीजिएगा पूरा, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप डाउट्स है तो आप पूछ लीजिएगा, और जब भी कभी आप लेसन या पोयम पढ़ रहे हो ध्यान से, तो बाजू में आप डाइजेस्ट लेकर भी बैठना, ताकि अगर कोई मीनिंग आपको पता ना चले जो आपके बुक में नहीं दिए गए वो आपके डाइजेस्ट में दिए गए होते हैं, तो आपको भी साथ साथ में मीनिंग भी पता चले। ओके, थैंक यू।